गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंगमीत। तो फ्रेंड्स, ये सेशन में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है सिमेट्री रूलर। तो यहाँ पे जब हम इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिमेट्री रूलर का ऑप्शन अवेलेबल है। और अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप के रूलर अवेलेबल होते हैं और उसका क्या यूज़ होता है। तो जब हम ब्रश सिलेक्ट करने के बाद सिमेट्री रूलर में फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन ऐड हो गई है ब्लू कलर में। और इसमें अभी क्या होगा कि जो भी हम इमेज लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे वो राइट साइड पे ऑटोमेटिकली ड्रॉ होगी, क्योंकि ये एक सिमेट्री रूलर है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो राइट साइड पे मिरर फॉर्म में ऑटोमेटिकली ड्रॉ होगा। तो राइट साइड पे हमको कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी हम लेफ़्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे वो राइट साइड पे ऑटोमेटिकली ड्रॉ होगा। तो ये एग्ज़ाम्पल है। सिमेट्री रूलर का इसके बाद सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन का क्या यूज़ है। तो अगेन मैं ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सिमेट्री रूलर में सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैंने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया जो कैलाइडोस्कोप रूलर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे एक दो टाइप के स्लाइडिंग बार अवेलेबल है। तो पहला जो है ये डिवीज़न है। तो डिवीज़न में क्या होता है कि जो काउंट है ये इंक्रीज डिक्रीज होता है लाइन्स का। तो जैसे हम स्लाइड करेंगे डिवीज़न पे तो ये लाइन्स नंबर ऑफ लाइंस या हम इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये डिवीज़न का यूज़ है। देन यहाँ पे फेज़ है। तो फेज़ से क्या होगा कि ये जो रूलर है ये रोटेट होगा जिस भी डायरेक्शन में हमको रोटेट करना है। तो अब हम कुछ ड्रॉ करके देखते हैं कि जब हम ये कैलाइडोस्कोप रूलर सिलेक्ट करते हैं तो हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर ब्रश सिलेक्ट करता हूँ और कुछ मूवमेंट करता हूँ तो ये जो भी इमेज है वो राउंड शेप में इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, या आपको जो भी शेप बनाना है। तो आप देखिए कि जो जो जैसे मैं पेन मूव कर रहा हूँ तो ये शेप इजीली ड्रॉ हो पा रहा है राउंड फॉर्म में। तो ये जो भी इंडिया का ट्रेडिशनल आर्ट लाइक मंडला आर्ट वगैरह जो होता है उसमें ये टूल काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली टूल है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो ये रोटेशन रूलर है। तो रोटेशन रूलर में भी फेज से रोटेशन होगा और डिवीज़न से नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो इसमें जब हम देखते हैं कि इसमें हम किस टाइप का कुछ ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी फाइन ड्राइंग हो रहा है और ये टूल सर्कल फॉर्म में कुछ भी क्रिएट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। पूरा इमेज नीट एंड क्लीन ड्रॉ के आता है। अगर हम यहाँ पे कोई शेप ले लेते हैं ब्रश से, लेट से कि मैं कोई चेन फॉर्म या कुछ भी शेप ले लेता हूँ, तो आप देखिए जो भी ये देखिए इजीली यहाँ पे राउंड शेप में चीज़ें ड्रॉ हो पा रही है। इसके बाद अभी मैं ऑफ करके ये डिलीट करता हूँ लेयर, एक फ्रेश लेयर लेता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन समझने के लिए। इसके बाद हमारे पास ये अरे रूलर है। तो अरे रूलर में हम यहाँ से टेबल फॉर्म में ग्रिड्स बना सकते हैं और ये एक्स और वाई एक्सिस पे हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं नंबर्स को। तो अगर हमको कुछ भी टेबल फॉर्म में रेफरेंस लेना है और या फिर ये टेबल को मूव करना है कुछ डिफरेंट डायमेंशन में, जैसे हमको कोई वॉल बनाना है या फिर कुछ रूम डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए ये वाला टूल काफ़ी यूज़फुल है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है जो 3D टाइप में है। तो यहाँ पे ही आप देख पा रहे हैं कि ये पॉइंटर से हम स्क्वायर शेप को या रेक्टेंगल को मूव कर सकते हैं और जो भी शेप का 3D शेप का हमको रिक्वायरमेंट है वो हम उसका रेफरेंस ले सकते हैं। देखिए आप, ये सब कुछ मूव हो पा रहा है। तो ये
हमारा ऑप्शन था सिमेट्री रूलर का, पर्सपेक्टिव अरे रूलर नाम से। तो इसमें भी हम एक्स वाई और जेड, इसमें तीन डायमेंशन है, बेसिकली थ्री डायमेंशंस है, और यह थ्री डायमेंशंस का हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।